हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें कि यहां पर आप लोगों से आवेदन लिए गए थे और आप लोगों ने यहाँ पर जो आवेदन किए उसके बाद फाइनली यहाँ पर इसका जो है हाल ही में अभी कुछ समय पहले इसका जो है प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया गया था। फाइनली उसके बाद एक और नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दी गई है। शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है तो यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, फॉर्म सीरियल नंबर मिल जाएगा, इनवर्ड नंबर मिल जाएगा, कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट का फादर या हस्बैंड का नाम दिया गया, कैटेगरी बताई गई है, डेट ऑफ बर्थ बताई गई है कैंडिडेट की, क्वालिफिकेशन बताई गई है, इसके साथ साथ यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स कितने हैं, यानी कि मेरिट कितनी है, कितने मार्क्स आपको मिले 100 में से और कितनी कॉमन मेरिट रही है और कितनी कैटेगरी मेरिट रही, इन सब की जानकारी आपको इस लिस्ट में यहाँ पे दी गई है। तो लिस्ट में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिसमें कि आपकी आपको दिया गया है नेम के साथ साथ आपका जो है फादर नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फिर मेरिट क्या है, इन सब की जानकारी आपको इसमें दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी की इस जो अपडेट जारी की गई है, ये कौन सी अपडेट है, कहाँ से जारी की गई है, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और यहाँ साथ साथ बताएंगे जो ये कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होना है उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगा, प्लेस क्या रहेगी, साथ ही में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट यहाँ पे क्या रहेगी, इन सब की जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली अपडेट पर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो लिस्ट जारी की गई कहाँ से जारी की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश। तो श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी जारी की गई थी और वहाँ से ये अपडेट जारी की गई है, जिसका क्रमांक संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेटर नंबर और डेट आप देख सकते हैं 31/7/2023। सूचना यहाँ पर जारी की गई है, नोटिस जारी की गई है। क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऊपर दी गई है कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक संख्या इतना, डेट 11/10/2022 के अनुक्रम में कार्यालयीन क्रमांक सूचना इतना, डेट 20/6/2023 द्वारा परीक्षा परिणाम कम प्रोविजनल कॉमन मेरिट लिस्ट के आधार पर संलग्न सूचियों अनुसार मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक एक छायाप्रति के साथ दिनांक 8/8/2023 को प्रातः 10:30 बजे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के सभा कक्ष भूतल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे जो लिस्ट अभी आप नीचे देख रहे थे, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे, तो सब यहाँ पे जो लिस्ट जारी की गई नीचे कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे है, कैटेगरी वाइज लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। कुछ समय पहले इसका जो परीक्षा परिणाम प्रोविजनल का मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसके आधार पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं कैटेगरी वाइज उनकी लिस्ट यहाँ पर नीचे दी गई है। उन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, साथ में उनका एक एक सेट आपको फोटोकॉपी लेकर जाना है, छायाप्रति आपके पास होना चाहिए और आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो 8 अगस्त को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, तो 8 अगस्त को आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना है। प्रातः 10:30 बजे से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा और कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चिकित्सा महाविद्यालय के रीवा के सभा कक्ष भूतल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट, टाइम और प्लेस की जानकारी। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले लिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें लिस्ट की, तो देख सकते हैं ऊपर लिखा हो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा मध्य प्रदेश, शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनरिजर्व्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फॉर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा MP।
तो यहाँ पे जो वैकेंसी थी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी, और फाइनली यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं, लिस्ट जो है जारी हो गई है, जिसमें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अब इनको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपका 8 अगस्त को कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन प्रातः 10:30 बजे से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन, उसके साथ यहाँ पे लिस्ट दी गई है, इसमें आपकी सारी डिटेल्स दी गई हैं, आपका सीरियल नंबर है, फॉर्म संख्या दिया गया है, इनवर्ड नंबर दिया गया है, कैंडिडेट का नाम दिया गया, कैंडिडेट का फादर या हस्बैंड नेम दिया, कैटेगरी क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ दिया गया, क्वालिफिकेशन आपकी JNM BSc नर्सिंग दोनों रख मांगी गई थी, तो JNM या BSc नर्सिंग क्या है वो भी यहाँ पे दिया गया है, कितने मार्क्स आपको मिले हैं इसकी इन्फॉर्मेशन, आपके कॉमन मेरिट क्या है, और साथ में आप देख सकते हैं कैटेगरी मेरिट भी यहाँ पे दी गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के मार्क्स जो हैं 94 आए हैं, और दोनों की जो है कॉमन मेरिट 1-2 कर दी गई। तो ये जो है कई चीज़ों पे निर्भर करता है कि जब समान मार्क्स होंगे तो या तो आपको एज में अगर जो बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, या जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उनका भी उनको भी यहाँ पे आगे कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो आप लोग। तो यहाँ पे ये UR कैटेगरी की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है, UR में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उस टोटल UR कैटेगरी में कितने लोग सिलेक्टेड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 19 कैंडिडेट जो है UR कैटेगरी में यहाँ पे सिलेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो ये लिस्ट जारी की गई है लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन SC, तो SC कैटेगरी की ये लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है, इसमें आप देख सकते हैं टोटल 4 कैंडिडेट्स का नाम इस लिस्ट में शामिल है। उसके बाद यहाँ पे ST कैटेगरी की लिस्ट है जिसमें कि एक कैंडिडेट का नाम यहाँ पे शामिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट ST कैटेगरी में है, 4 कैंडिडेट जो है आपके SC कैटेगरी में हैं, टोटल 5 इधर हो गए और 19 कैंडिडेट इधर है, तो 19 और 5 यहाँ पे टोटल 24 कैंडिडेट यहाँ पर आपके जो हैं डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर आपका कराया जाएगा और 8 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होना है। अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे उसमें आपका हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा की अनुसूची आपके पास होनी चाहिए, JNM BSc नर्सिंग परीक्षा के समस्त सेमेस्टर या वर्षों की अनुसूची यानी कि जितनी भी मार्कशीट्स हैं हर वर्ष की वो आपके पास होनी चाहिए, JNM आपलिक BSc नर्सिंग का डिप्लोमा या डिग्री प्रमाण पत्र, तो JNM या BSc नर्सिंग जो भी किया उसका डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए, मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का जीवित पंजीयन यानी कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए लाइव। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान संस्था में नर्सिंग ऑफिसर आपलिक स्टाफ नर्स पद पर कार्यरत होने संबंधी नियुक्त आदेश की छायाप्रति, यानी कि अभी जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ का आपका जो है आदेश की छायाप्रति, नियुक्ति आदेश यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर थी उसकी छायाप्रति आपकी लगेगी। उसके बाद सक्षम अधिकारी या मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC वगैरह आपके पास होना चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाँच प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आपके पास होना कंपलसरी है, परिचय पत्र में आपका आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट कोई भी चल सकता है। फिर यहाँ पे जो 11वां पॉइंट दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्ष 26/1/2001 के बाद से 2 से अधिक संतान होने का ₹50 के नॉन जुडिशल स्टाम्प पर नोटराइज्ड घोषणा पत्र होना चाहिए आपके पास, 3 नग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आवेदन पत्र में लगाया गया हो वही आपको आवेदन फ़ोटो लेकर जाना है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें जिन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं यदि लागू हो तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, यदि लागू है तो आपको ले जाना है, अदरवाइज आपको नहीं लेना, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं वो आपके पास होने ज़रूरी हैं, और फ़ोटो आपका वही लगेगा जो आपने आवेदन पत्र में लगाया है। और लिस्ट यहाँ पे आपको मैंने आपको पहले दिखा दी है, लिस्ट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे नीचे दी गई है, वो लिस्ट आप देख सकते हैं, लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन जाकर करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन की डेट, टाइम और प्लेस एक बार फिर से कन्फर्म कर दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन की जो डेट रहेगी वो 8 अगस्त रहेगी, टाइमिंग आपका 10:30 बजे से रहेगा, और आपको चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के सभागार भूतल में उपस्थित होकर अपना वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन कराना है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।